हेलो बच्चों कैसे हो आप सब बच्चों अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट कंप्यूटर है और आप सोच रहे हो कि आपको इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है यू वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और अ वेब डेवलपर और प्रोग्रामर और यू वांट टू स्टडी कंप्यूटर साइंस देन आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट कंप्यूटर साइबर और इंफॉर्मेटिक ओलंपियाड की ये ओलंपियाड्स आपकी कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज को टेस्ट करते हैं इम्प्रूव करते हैं एंड अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो इन कोडिंग सीखना चाहते हो एल्गोरिजम में इंटरेस्टेड हो देन यू शुड गिव दीज ओलंपियाड्स बिकॉज ये ना सिर्फ आपको एक बेहतरीन गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं बट ऑल्सो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जहाँ से आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाई शुड यू गिव दीज ओलंपियाड तो जैसा कि मैंने बोला कि साइबर और कंप्यूटर ओलंपियाड्स मैथ और साइंस की तरह ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट रखते हैं ये ओलंपियाड्स आपके कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज या साइबर के कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं हम सबको पता है कि आज के टाइम में कंप्यूटर एक कंपलसरी सब्जेक्ट बन गया है

अगर आपने साइबर ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने का मन बना लिया है डिसीजन ले लिया है देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अप्रिशिएट योरसेल्फ बिकॉज यू हैव डायरेक्टेड योरसेल्फ टुवर्ड्स टूवर्ड्स द सक्सेस इन योर लाइफ बट इतना काफी नहीं है बच्चों फॉर गेटिंग सक्सेस इन दीज ओलम्पियास यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ साइबर ओलंपिया एग्जाम्स आर वेरी वाइड अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और एग्जाम को क्रैक करना है दैन यू शुड नो अबाउट द एग्ज़ाम डेट्स रजिस्ट्रेशन डेट्स पेपर का स्ट्रक्चर कैसा है कितने क्वेश्चन आते हैं डिविजन ऑफ मार्किंग कैसी है कितना टाइम मिलेगा आपको पेपर कंप्लीट करने के लिए सिलेबस कितना कम कवर करना है क्वेश्चन कितने चैलेंजिंग होते हैं आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है ये सारी चीज़ हम कवर करेंगे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से साइबर और कंप्यूटर से रिलेटेड ओलंपियाड्स हैं जिनमें आप अपियर हो सकते हो सो so, इस वीडियो में हम आज आपको नाइन डिफरेंट कंप्यूटर से रिलेटेड ओलंपियाड के बारे में बताएंगे जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है इंडियन कंप्यूटिंग ओलंपियाड विच इज ऑल्सो कॉल्ड आई अब बच्चों ये ओलंपियाड इंडियन एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड कंप्यूटिंग साइंस कंडक्ट कराता है इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है कि ये आपको आईओआई यानी इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स जो कि वर्ल्ड लेवल का कंप्यूटर ओलंपियाड है उसके लिए आपको प्रिपेयर कराए हर साल सारी कंट्रीज़ जो आई में पार्टिसिपेट करती हैं वो अपने Uh, अपने यहाँ से चार बच्चों को भेजती हैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन इंटरनेशनल लेवल तो इंडिया से भी चार बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है तो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन कंप्यूटर ओलंपियाड्स देन यू हैव टू गिव आईसीओ फर्स्ट इसके लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें देन अगर आप क्लास फर्स्ट से ट्वेल्थ तक के स्टूडेंट्स हो देन यू कैन गिव दिस एग्जाम बट इफ यू आर आउट ऑफ योर स्कूल यू हैव पास्ड इंटरमीडिएट देन यू कैन नॉट अपेयर फॉर दिस एग्जाम बच्चों अभी इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं बट वी आर एक्सपेक्टिंग के टिल लास्ट ऑफ अगस्त रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर डेट्स अनाउंस कर देगी और इसके एग्जाम मोस्टली नवंबर या दिसंबर में होंगे सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू शुड रेगुलरली चेक द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आई अब अगर आपको आई ओ आई में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है बच्चों और यू वॉन्ट टू बी अमंग दो स्टूडेंट्स देन सबसे पहले आपको इंडियन कंप्यूटिंग ओलंपियाड क्रैक करना होगा सो बेसिकली इंडियन कंप्यूटिंग ओलंपियाड जो है वो टू लेवल्स में होता है लेवल वन में टू एग्जाम्स होते हैं जिनके नाम है जोनल इंफॉर्मेटिक ओलंपियाड और जोनल कंप्यूटिंग ओलंपियाड राइट सो क्लियर तो दोनों नहीं कर पाते तो आप दूसरे के थ्रू सेकेंड लेवल तक पहुंच सकते हो अब अगर जोनल इंफॉर्मेटिक ओलंपियाड की बात करें तो ये सीओ uh, यानी जोनल कंप्यूटिंग ओलंपियाड से थोड़ा सा ईजी होता है कंप्यूटिंग ओलंपियाड क्योंकि इसमें आपको कोडिंग uh, आना जरूरी नहीं है इसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बट अगेन नॉट योर ट्रेडिशनल मैथेमेटिक्स ऑफकोर्स मैथमेटिक्स जो थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड होती है सच एज कॉम्बिनेटोरिक्स रिकर्शन एंड प्रॉबेबिलिटी ऑन द अदर हैंड जोनल कंप्यूटिंग ओलंपियाड में आपको बेसिक कम्प्यूटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ती है जैसे कि सी सी प्लस प्लस जावा और पाइथन बट आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर सी प्लस प्लस क्योंकि अगर आपने फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जाम क्लियर कर भी लिया देन सेकेंड लेवल में आपको सी प्लस प्लस में ही एग्जाम uh, देना पड़ेगा और सेकेंड लेवल दैट इज आई एन ओ आई दैट स्टैंड फॉर इंडियन नेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स इसके लिए 300 स्टूडेंट्स के आसपास बच्चे सेलेक्ट uh, किए जाते हैं एंड देन आई एन ओ आई से फिर 30 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं फॉर थर्ड लेवल दैट इज़ आई ओ आई टी सी विच स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स ट्रेनिंग कैम्प सो इट्स अ ट्रेनिंग कैम्प जहाँ पर आपको uh, जहाँ पर 30 स्टूडेंट्स uh, को आई के लिए प्रिपेयर किया जाता है उनकी स्किल्स को पॉलिश किया जाता है एंड एट द एंड ऑफ ऑफ़ इट फोर स्टूडेंट्स आउट आर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर एंड फाइनली फोर स्टूडेंट्स हम कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं सो so बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं अगर आपको uh, अगर आप आई ओ आई तक नहीं भी पहुंचते हैं देन देर आर यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया जो उन बच्चों को एडमिशन की गारंटी देती हैं जो आई ओ आई टी सी ट्रेनिंग कैंप तक पहुंच जाते हैं सच एस ट्रिपल आई टी हैदराबाद इसमें आपका चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट भी है देन ट्रिपल आई टी डेली है आई आई टी गांधी है इसी लिस्ट में एंड इफ़ यू आर आई ओ आई मेडलिस्ट देन यू कैन गेट एडमिशन इन सम मोस्ट प्रस्टिजियस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सच एज़ यूनिवर्सिटी ऑफ वाटर लो इन कैनेडा फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स इसी तरीके से हॉन्ग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज अ स्कॉलरशिप दैन नान्यांग यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड नैशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर सो दिस वॉज ऑल अबाउट आई सी ओ सो so नेक्स्ट हमारी लिस्ट में जो ओलंपियाड है दैट इज यूनिफाइड साइबर ओलंपियाड एंड दिस ओलंपियाड इज कंडक्टेड बाय यूनिफाइड काउंसिल व्हिच वाज इन 1998 सो ओवर 1 करोड़ स्टूडेंट्स हैव गिवन दिस एग्जाम एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड टू क्लास 10 देन यू कैन अपेयर फॉर दिज एग्जाम्स ओके सो आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं के व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन यूनिफाइड साइबर ओलंपियाड बच्चों सो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ टेंथ ऑफ ऑगस्ट एंड एग्जाम डेट्स आर नाइनटीन ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी थर्ड ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी सो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दिस अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो आ, ये जो ओलंपियाड है इसके रिजल्ट साइबर आ, जो यूनिफाइड काउंसिल है वो नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू में रिलीज़ करता है नाउ वी विल टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन दिसज ओलम्पियाड सो यू कैन रजिस्टर थ्रू स्कूल इफ योर स्कूल इज रजिस्टर्ड विद दिसज़ ऑर्गेनाइजेशन दैन यू कैन टॉक टू योर टीचर और स्कूल कोऑर्डिनेटर एंड दे विल हेल्प यू देस्ट यू टू गैट यू रजिस्टर्ड इन टू दिस ओलम्पियाड एंड इफ़ योर स्कूल इज नॉट रजिस्टर्ड देन यू हैव टू ऑप्शन आई द यू टॉक टू योर स्कूल टीचर सो दैट यू योर स्कूल कैन रजिस्टर्ड सेल्फ और इफ़ दे आर नॉट इंटरेस्टेड देन यू कैन इंडिविजुअली रजिस्टर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिफाइड काउंसिल टू गिव दिस ओलम्पियाड ओके बच्चों तो चलिए अब हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन विल भी फिफ्टी एंड द मार्क टोटल मार्क ऑफ द एग्जाम विल बी ऑल्सो फिफ्टी सो इच क्वेश्चन गेट वन आर टू कंप्लीट दिस एग्जाम अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वी हैव फोर डिफरेंट सेक्शंस इन दिस एग्जाम फर्स्ट सेक्शन इज मेंटल एबिलिटी जो फिफ्टीन मार्क्स का होगा सेकेंड इज रीजनिंग विच इज ऑल्सो

अब हम बात करते हैं अवार्ड्स एंड प्राइजेस की सो इफ यू आर अचीविंग फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रैंक इंटरनेशनली देन यू विल बी अवार्डेड विद लैपटॉप पीसी, लैपटॉप टैबलेट एंड पीसी रेस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल आल्सो गेट अ मोमेंटो इफ योर रैंक इज फ्रॉम फोर्थ टू टेंथ बी अवार्डेड विद द कैश प्राइज ऑफ वन Uh, and if you are a uh, top 100 rankers in each class then uh, you will get olympiad coach online subscription medal book certificate of appreciation so these are the awards given by unified council now the second olympiad in our list is international informatic olympiad which is also called iio and it is conducted by silver zone foundation now we have already covered all the olympiads conducted by silver zone foundation if you haven't seen that video you can go to the playlist and you can check that video now uh, if you are a student of class 1st to 12 then you can give this particular olympiad agarham kare bhochu लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की देन यू कैन रजिस्टर फ्रॉम थर्टी फर्स्ट यू कैन रजिस्टर टिल थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट बट ऑफकोर्स आप उससे पहले रजिस्टर कर दीजिए बिकॉज यू डोंट वेट फॉर डेड लाइन ओके एंड देन एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नवंबर एंड फर्स्ट दिसंबर टू स्लॉट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं ऑफलाइन मोड के लिए एंड ऑनलाइन अगर आपको एग्जाम देना है देन यू कैन गिव द एग्जाम ऑन सिक्स नवंबर एंड थर्ड दिसंबर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू रिजल्ट की अगर हम बात करें तो ये रिजल्ट uh, आपके जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में रिलीज होंगे नाव uh, हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं फॉर दिस ओलम्पियाड विच इज आई आई ओ सो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है रजिस्टर करने का दैट इज़ बाई स्कूल सो अगर आपका स्कूल रजिस्टर्ड है सिल्वरजोन uh, फाउंडेशन के साथ देन ओनली यू कैन अपेयर इन टू दिस एग्जाम अदरवाइज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन ओके सो नाउ वी विल टॉक द एग्जाम पैटर्न तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहां पर क्लास फर्स्ट से लेके क्लास ट्वेल्थ तक डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट एग्जाम पैटर्न हमें देखने को मिलता है फर्स्ट टू टू क्लास फर्स्ट टू सेकेंड वी हैव ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन राइट एंड फ्रॉम क्लास 3 to fifth, we get 30 questions and and the time will be 40 minutes. From class 6 to eight we'll get 35 questions and the time will be 40 minutes. And from uh, class 8 to 12, uh, there will be 40 questions and the timing will be 50 minutes. Now, we will talk about the sections in different classes. So, from class 1 to 8, we have two sections Computer Science and Scholar Zone. From 9 to 10, we have four different sections in exam Computer Fundamental, Information Technology, Information and Communication Technology, and Section D, Section 4 will be related to Reasoning and Aptitude. From class 11 to 12, we have three sections Computer Fundamental and Programming Language. अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कंडक्टेड इन थ्री डिफरेंट लेवल्स। फर्स्ट लेवल में स्टूडेंट ऑफ क्लास यू कैन अपेयर फॉर द फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल के लिए यू हैव टू बी अमंग क्लास के टॉपर हैं uh, अगर आपने अपने क्लास में टॉप किया है देन ऑल्सो यू कैन अपेयर

नेशनल रैंक फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड देन यू विल बी अवार्डेड विद यूड कैश प्राइस ऑफ टेन थाउजेंड से अगर आपकी रैंक 4 से 25 तक है देन यू विल बी अवार्डेड विद गिफ्ट सर्टिफिकेट्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज एंड अगर आपकी रैंक 26 टू 500 है देन यू विल गेट टॉप अचीवमेंट सर्टिफिकेट अगर आपकी रैंक स्टेट या जोनल लेवल uh, पे फर्स्ट सेकेंड या थर्ड है देन यू विल विद मेडल ऑफ एक्सीलेंस एंड अगर आप क्लास टॉपर हैं और आपने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रैंक अचीव की है देन ऑल्सो यू आर अवॉर्डेड विद मेडल ऑफ एक्सीलेंस सो नेक्स्ट जिस ओलंपियाड uh, की हम बात करेंगे दैट इज नेशनल कंप्यूटर इंडियन टैलेंट ओलंपियाड टेड बाय आई टीओ आई टीओ का नाम आपने सुना होगा इंडियन टैलेंट ओलंपियाड राइट सो इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के ऊपर ऑलरेडी वी हैव रिलिज वन विडियो सो ऑल दी ओलंपियाड कंडक्टेड बाई इंडियन टैलेंट ओलंपियाड रिलेटेड टू मैथमेटिक्स साइंस एसे एंड ऑल दीज यू नो ड्रॉइंग सो इंडियन टैलेंट ओलंपियाड्स कंडक्ट अ लॉर्ड ऑफ ओलंपियाड Uh, I think eight or nine, and we have covered all those Olympiads in that video, right? So you can go and check that video as well. So, Agarham is a specific uh, Olympiad which is related to computer. Uh, then, if you're a student of class 1st to 10th, you, uh, you are eligible to give this exam. Now, if I talk about the last date of registration in this Olympiad, then for school, last date of registration is 10th of September. स्कूल के लिए सेकेंड ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू है बट अगर आपने इंडिविजुअली रजिस्टर किया है देन यू कैन गिव दिस एग्जाम एट यूर होम इफ यू हैव एनी लैपटॉप और कंप्यूटर विद वेब कैम with good internet connectivity then uh, you have two slots to give the, uh, to give uh, the exam okay slot 1 is 5th of december and slot 2 is 9th of january 2023 so uh, you have uh, multiple dates uh, to choose uh, so you can go accordingly then a result uh, most of the time is announced after the one month of the examination by this uh, olympiad how to register

डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट एग्जाम पैटर्न देखने को मिलता है क्लास फर्स्ट से फोर में यू हैव थर्टी फाइव क्वेश्चन क्लास फाइव टू टेन यू हैव फिफ्टी क्वेश्चन दोनों में ही वन आवर का मिलता है टू कंप्लीट दी एग्जाम सेक्शन इन डिफरेंट क्लासेस सो फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू फोर यू हैव थ्री डिफरेंट सेक्शन कंप्यूटर साइंस जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्वेंटी होते हैं लॉजिकल रीजनिंग में आपके टेन क्वेश्चन होते हैं

सो दिस वॉज द एग्जाम पैटर्न अवार्ड एंड प्राइजेस की बात करें तो इफ यू आर अचीविंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ रैंक देन यू विल गेट प्राइज ऑफ वन लैख फॉर फर्स्ट रैंक रुपीज फोर्टी थाउजेंड फॉर सेकेंड रैंक लैपटॉप फॉर थर्ड एंड टैबलेट फॉर फोर्थ रैंक ओके अगर आपकी रैंक स्टेट लेवल पे फर्स्ट से टेंथ तक होती है देन यू विल अवारेड विद मेरिट सर्टिफिकेट एंड गोल्ड मेडल विद स्कॉलरशिप ओके इलेवन से ट्वेंटी रैंक uh, वाले बच्चों के लिए स्टेट लेवल पे होते हैं एक्सेलेंस अवार्ड दिया जाता है थर्ड रैंक अचीव करने वाले बच्चे जो क्लास टॉपर होते हैं अगर आप अपनी क्लास में टॉप करते हैं और फर्स्ट सेकेंड या थर्ड रैंक अचीव करते हैं देन यू आर अवार विद गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल रिस्पेक्टिवली ठीक है और साथ ही साथ आपको एक स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाता है नाउ द नेक्स्ट ओलंपियाड इन आर कैटेगरी इंटरनेशनल साइबर ओलंपियाड बच्चों एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड आईसीओ ये ओलंपियाड एडु हिल फाउंडेशन कंडक्ट कराता है अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास फर्स्ट से ट्वेल्थ तक के देन यू आर एलिजिबल टू दिस ओलंपियाड फाइनलीफ रजिस्ट्रेशन इज टेंगस्टी 2020. नाउ अगेन Uh, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अनाउंस नहीं की है यूजुअली ये क्या करते हैं प्रोस्पेक्टर्स स्कूल को भेजते हैं सो यूजुअली एग्जाम से थर्टी डेज पहले आपको रजिस्टर करना होता है एग्जाम डेट इज थर्टियथ ऑफ सेप्टेंबर ट्वेंटी सो यू जस्ट ट्राई के आप ऑगस्ट में ही एग्जाम के लिए रजिस्टर कर दो थ्रू योर स्कूल राइट रिजल्ट आपका एग्जाम के कुछ हफ्ते के बाद अनाउंस कर दिया जाता है हाउ टू रजिस्टर की अगर बात करें तो यू कैन रजिस्टर ओनली बाय स्कूल अगर आपका स्कूल रजिस्टर्ड है देन ओनली यू कैन अपेयर इन टू दिस एग्जाम देर इज नो ऑप्शन टू रजिस्टर इंडिविजुअली राइट अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो क्लास फर्स्ट से सिक्स तक देर विल बी फोर्टी क्वेश्चन Uh, और क्लास सेवन से ट्वेल्थ तक सिक्सटी क्वेश्चन होंगे और दोनों में ही आपको का टाइम मिलेगा टू कंप्लीट एग्जाम सेक्शंस की अगर बात करें थ्री तो सेक्शन से तो से uh, होंगे अगेन जर्नल आई कंप्यूटर एंड इंटरएक्टिव जर्नल आई क्यू टेन क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर में फिफ्टीन क्वेश्चन होंगे एंड इंटरएक्टिव में फिफ्टीन होंगे बट सेवन टू ट्वेल्व में जनरल आईक्यू में टेन लॉजिकल में क्वेश्चन इंक्रीज हो जाएंगे सो थर्टी क्वेश्चन होंगे एंड हॉट्स में ट्वेंटी क्वेश्चन होंगे सो दिस विल बी द ओवरऑल पैटर्न नाउ अगर हम अवार्ड एंड प्राइजेस की बात करें बच्चों सो इफ यू आर अचीविंग फर्स्ट रैंक इंटरनेशनली देन यू आर अवारेड विद्री थाउजेंड रुपीज प्लस गोल्ड मेडल एंड अ सर्टिफिकेट सेकेंड रैंक जिनकी आती है इंटरनेशनल लेवल पे दे आर अवार्डेड विद विद 1,500 सिल्वर मेडल एंड विद अ सर्टिफिकेट थर्ड रैंक अचीवर्स को 1,000 थाउजेंड रुपीज के साथ ब्रॉन्ज मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है अगर आपकी रैंक इंटरनेशनली फोर्थ टू टेंथ है देन यू आर अवार्डेड विद एजुकेशन गिफ्ट एजुकेशनल गिफ्ट डिफरेंट डिफरेंट दिए जाते हैं राइट right? नेक्स्ट ओलंपियाड की बात करें सो दैट इज नेशनल साइबर ओलंपियाड दैट इज आल्सो कॉल्ड एनसीओ इसे कंडक्ट कराने वाली फाउंडेशन का नाम है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन एसओएफ बहुत सारे स्कूल्स एसओएफ से जुड़े हुए हैं अगर आप क्लास फर्स्ट से टेंथ तक के स्टूडेंट है देन यू आर एलिजिबल टू गिव दिस ओलंपियाड ओके Now we will talk uh, about the last date of registration. Then tenth of August, twenty twenty two. Again, before thirty days days of exam, you have to register yourself through school Exam date uh, there are two, uh, right? Date one is twenty fourth November, twenty twenty two, and date two is twentieth December, twenty twenty two. So accordingly, uh, according to your final exams, yeah, half yearly, jaise bhi अपने अकॉर्डिंग एग्जाम डेट को सिलेक्ट कर सकते हो देर आर टू स्लॉट्स राइट हाउ टू रजिस्टर की अगर हम बात करें तो यू कैन रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपका स्कूल रजिस्टर्ड है already SOF में, अगर नहीं है देन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप इंडिविजुअली uh, रजिस्टर कर सकते हैं एग्जाम पैटर्न में हमें देखने को मिलता है कि क्लास फर्स्ट से फोर्थ तक थर्टी फाइव क्वेश्चन आते हैं फाइव से टेन तक फिफ्टी क्वेश्चन आते हैं और कंप्लीट करने के लिए जो टाइमिंग होती है दैट इज आवर सेक्शंस इन डिफरेंट क्लासेस की अगर हम बात करें तो क्लास फर्स्ट से फोर तक वी हैव थ्री डिफरेंट सेक्शंस लॉजिकल रीजनिंग कंप्यूटर्स एंड आईटी इन एंड अचीवर सेक्शन इसी तरीके से फाइव टू टेन में भी हमें यही थ्री सेक्शंस मिलते हैं बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफर करते हैं इन वन टू फोर वी हैव फाइव क्वेश्चन इन लॉजिकल रीजनिंग

क्लास फाइव टू टेन में होता है अब हम बात करते हैं अवार्ड्स एंड प्राइजेस की तो इसमें अगर आप फर्स्ट रैंक अचीव करते हो इंटरनेशनल लेवल पे देन यू आर अवार्डेड विद फिफ्टी थाउजेंड रुपीज प्लस इंटरनेशनल गोल्ड मेडल एंड सर्टिफिकेट ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस विद मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन सो काफी सारे अवार्ड यहाँ पे आपको मिलते हैं सेकेंड रैंक अगर अचीव करते हो इंटरनेशनल लेवल पे

कंडक्ट uh, कराती है और क्लास फर्स्ट से 10 तक के स्टूडेंट्स इस ओलंपियाड में अपेयर हो सकते हैं लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें देन लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज बिफोर नवंबर सो बिकज अभी यहां पे लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अनाउंस नहीं हुई है बट एग्जाम डेट इज 30th ऑफ जनवरी एंड 24th ऑफ जनवरी 2023 सो टू डेट्स ऑफ एग्जाम्स दे हैव गिवन तो अकॉर्डिंगली यू कैन चूज फॉर योर सेल्फ बट यू हैव टू मेक श्योर के थर्टीन जनवरी से थर्टी डेज पहले It means के at least आप नवंबर में ट्राई करो लास्ट ऑफ नवंबर कर लेना है फॉर दिस एग्जाम ठीक है अब हम बात करते हैं हाउ टू रजिस्टर सो अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप दोनों तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं आयदर बायोर स्कूल अगर आपका स्कूल रजिस्टर है ऑलरेडी क्रेस्ट में अगर नहीं है देन यू कैन गो टू ऑफिशियल वेबसाइट और इंडिविजुअली आप रजिस्टर कर सकते हो एग्जाम पैटर्न जानना बहुत जरूरी है तो किस तरह के uh, यहाँ पे आपको पैटर्न देखने को मिलता है एग्जाम में क्लास फर्स्ट से फोर्थ तक थर्टी फाइव क्वेश्चन आते हैं फाइव से टेन तक फिफ्टी क्वेश्चन आते हैं एंड यू विल गेट वन आर टू कंप्लीट द होल एग्जाम सेक्शन की अगर हम बात करें बच्चों तो क्लास फर्स्ट से फोर्थ तक वी हैव टू डिफरेंट सेक्शन कंप्यूटर्स एंड आई

फाउंडेशन है जो कि इस ओलंपियाड को कंडक्ट कराती है क्लास फर्स्ट से ट्वेल्थ तक के स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज थर्टी डेज बिफोर एग्जाम राइट और एग्जाम डेट है स्कूल अगर आपने इंडिविजुअल रजिस्टर किया है तो आपके लिए एग्जाम डेट है नाइनटीन एंड सिक्स दिसंबर 2020 और लेवल टू के लिए जनवरी 2020 ट्वेंटी सो बेसिकली ये एग्जाम टू लेवल्स में होते हैं लेवल वन एंड लेवल टू तो लेवल वन के लिए अगर आप इंडिविजुअल uh, देखोगे इंडिविजुअली देन आपकी जो एग्जाम डेट होगी वो दो एग्जाम डेट है आप कोई भी चूज कर सकते हो नाइनटीन नवंबर एंड 6 दिसंबर और लेवल टू के लिए जनवरी में एग्जाम होंगे अब हम बात करते हैं हाउ कैन वी रजिस्टर इन हमिंग बर्ड ओलंपियाड So, यहाँ पर भी हमें टू ऑप्शंस मिल जाते हैं आप स्कूल के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं एंड इंडिविजुअल भी रजिस्टर कर सकते हैं बाय विजिटिंग ऑफिशियल वेबसाइट एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें बच्चों सो क्लास फर्स्ट से ट्वेल्थ तक एग्जाम पैटर्न सेम होता है have, uh, 60 okay. की बात करें तो फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू ट्वेल्व वी हैव टू सेक्शंस ठीक है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फोर्टी क्वेश्चन एंड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड ट्वेंटी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं दिस वॉज ऑल अबाउट कंप्यूटर साइबर एंड इन्फॉर्मेटिक्स ओलम्पियाड बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है इंफॉर्मेटिव लगी है देन लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस कि साइबर ओलम्पियाड देने में इंटरेस्टेड हैं और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताओ कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेलाइकन क्योंकि हम ऐसी वीडियोज रेगुलर बेसिस पे रिलीज करते रहते हैं And you will be notified whenever the new video is released. Thank you very much for watching this video.